और बारी हवेली जाने के लिए यहाँ पे आपको टिकट मिलेगा जिसकी कीमत है 50 रुपया, और ये 4 मंजिला हवेली है और जिसमें म्यूजियम भी बना हुआ है। महारावण जोहर सिंह जी जिन्होंने जैसलमेर में ट्रेन भी अलाउड नहीं किया, तो ट्रेन अलाउड होगी तो मेरा गोल्ड लेके चली जाएगी। गोल्ड बोलते थे पत्थर, पत्थर ये पत्थर है ना, उन्होंने जैसलमेर में ट्रेन भी अलाउड नहीं किया क्योंकि ट्रेन आएगी तो मेरा पत्थर लेके चली जाएगी, मतलब गोल्ड, उसको सोना बोलते, हमारे सोना बोटी बोलते। 1971 में जब मूवी बना था बंगाली में, उसके बाद ही टूरिस्ट चालू हुआ जैसे। जब मैंने वहाँ पे बताया था राजा का राज तिलक होता है, ये वाइट मार्बल का जुटा है। हाँ, वाइट मार्बल। इधर राजा की फैमिली, ब्रिटिश लोग, गुरुजी लोग। ये देखो जब राजा का राज तिलक होता है तो पूरा जैसलमेर सिटी घुमा था। कुछ टाइम पहले हुआ था कि राज यही जैसलमेर में हुआ था, अभी अभी हुआ है। हाँ, मतलब कुछ टाइम पहले हुआ है। अच्छा, ये छोटे छोटे ऐसा क्यों है कि साइड में छोटा था क्या? अच्छा, इसलिए माइंड योर हेड। बारारी हवेली, ये ट्रेडिशनल खाने के बर्तन है जो उस दौर में यूज किए जाते थे। अभी देखो सर, हाँ, पहले जमाने में दो प्रकार के बर्तन होते, एक पीतल एक चांदी। पीतल के बर्तन में खाना बनता था, चांदी की प्लेट में खाना खाते थे। चांदी की प्लेट में खाना इसलिए खाते थे कि कोई भी बंदा जहर मिला दे, जैसे कि दाल तो कलर चेंज, राजा को मालूम पड़ जाता था कि मेरे खाने में जहर मिला है। अच्छा, इसलिए चांदी की प्लेट में खाना खाते थे। अच्छा, तो कलर चेंज हो जाता था। कलर चेंज हो जाता। हाँ। दूसरा, ये जो देख रहे हो ये हाबुर स्टोन, हाबुर स्टोन, हाबुर जिसमें दही जमता है। मतलब दही तो येलो स्टोन में जमता है। हाँ, ये मेडिसिन के लिए। मैंने हाबुर का कहीं पढ़ा था कि हाबुर गांव में जो ग्लास होती है या बर्तन होता है, दूध डालते हैं उसमें दही बन जाता है। हमारे यहाँ दही जमाने के लिए जामिर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस बर्तन में अगर हम दूध डालेंगे तो सीधा दही बन जाता है, हाबुर स्टोन। और दूसरा, ये मेडिसिन के लिए काम करता है। दूसरा, जो ये घर में इसलिए लगा होता है कि नजर से बचाता है। अच्छा, ऐसा इसलिए हमारे यहाँ कहीं भी जाओगे, होटल, मंदिर, किस पर भी जाओगे तो ये पोषण स्टोन लगा हुआ। ये ओल्ड टाइम के बर्तन, पीतल के, पहले जमाने में पीतल के बर्तन यूज होते थे। ठीक। और दूसरा, जो ऊपर जो देख रहे हो, पहले जमाने में हुस लकड़ी यूज होता था, आरसीसी वगैरह यूज नहीं होता। हुस इसलिए होता था क्योंकि गर्मी में ठंडा रहता है, सर्दी में गर्म रहता है, एयर कंडीशन। हमारे पहाड़ में भी ऐसे मकान बनते हैं, मतलब ट्रेडिशनल बनते थे तो लकड़ी अंदर यूज होता था, उसके ऊपर हम स्लेट यूज करते थे, पाथर। तो अभी है। और ये फैमिली पैक। ओके। इसका बोतल मिलता है हाबुर का। हाँ हाँ। दूसरा, एक गिलास मिलता है, पिरामिड भी मिलता है, टाइल भी मिलता है। अच्छा, ये है। और गेट छोटे इसलिए होते हैं, झुक के आना है, तो राजा के राजगुरु लोग रहते थे ना, तो सर झुका के आता था तो झुक के चल रहा है, इसलिए गेट छोटे है। ये पानी के बर्तन, पहले जैसलमेर में मेहमान आते थे ना तो पहले पानी नहीं पिलाते थे, दूध और घी पिलाते थे, क्योंकि जैसलमेर में पहले पानी की बहुत कमी थी। अगर आपने फोर्ट देखा तो पूरा इंटरलॉक बना हुआ, किधर भी चूना सीमेंट यूज नहीं हुआ, ऐसा इंटरलॉक पत्थर को ऊपर पत्थर जोड़ के बनाया गया। पत्थर को बिल्कुल नक्काशी, वन एक ही पत्थर को तराश के बनाए गए हैं, पूरा सब कुछ येलो स्टोन से ही बनाया। ये जो देख रहे हो राजा के राजगुरु का बेडरूम। अच्छा, यहाँ पे सोते थे। और ये म्यूजिक सिस्टम देख रहे हो, ये अंग्रेजों के जमाने का, 100 साल पुराना। और कोने में जो देख रहे हो उसको बोलते गुट्टी, जो वो होती है। हाँ, गुप्ती, इन लोगों के तलवार, लाठी, गुप्ती। पीछे ये होली की पिचकारी, पीतल की। अच्छा, इस जमाने में प्लास्टिक की, पहले जमाने में पीतल की यूज होती थी। नीचे कांच का देखा था ना, ऊपर चांदी का, परफ्यूम का। और ये लैंप सब चांदी का है, ये ब्रिटिश का, अंग्रेजों के जमाने का कैमरा रेडियो। अरे ऊपर ये जो ऊपर जो बॉक्स देख रहे हो, ये ज्वेलरी बॉक्स,
ज्वेलरी बॉक्स, ये मैसेज भेजने के लिए। और ये जो देख रहे हो चरस गांजा अफीम लेते थे ना पहले, और दूसरा जो पहले जो लोग थे पैसे वाले जैन लोग, कराची से साने चांदी का व्यापार करते थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, राजा लोगों को पैसे फाइनेंस करते थे जैन लोग, इसलिए फोर्ट के अंदर जैन टेम्पल है बहुत फेमस। और ये जैसलमेर का पगड़ी, अगर आपने जोधपुर का पगड़ी देखा हो ऊपर मुंडक पीछे पूंछ होती है, ये जैसलमेर का पगड़ी, पहले जो पहचान होती थी पगड़ी से होती थी, अगर ये बंदा को पहन के बाहर जाता था तो मालूम पड़ता था कि ये बंदा जैसलमेर से आया। अच्छा। पहले पहचान पगड़ी से होती थी। ये तो कौन सी पगड़ी, ये तो पगड़ी मुसलमान की, मतलब एक कल्चरल उसको दे रहे। हाँ, यहाँ ये गरम रोटी के लिए। अच्छा, और उधर देख रहे ज्वेलरी बॉक्स, ये स्टोन का है या स्टोन का हुस, हुस का, हुस का ये सब। और ये यहाँ पे बैठोगे तो सामने से फोटो अच्छा है। ये झरोका मैं जाता हूँ उधर से, पहले वहां से देखता हूँ फिर यहाँ से देख। ये है झरोका खिड़की का, नीचे चलेंगे ना इसका बड़ा फोटो देखेंगे। अभी तो छोटा फोटो, ये 60 साल पुराना टाइपर मशीन टाइपिंग करने के लिए। उधर जो देख रहे हो चौपस भाषा उर्दू के ओल्ड टाइम का, हमारे यहाँ बोलते चौपस भाषा। उधर जो देख रहे ज्वेलरी, सोलह सिंगर होता है ना इस टाइप की ज्वेलरी पे, अंदर ले लो ये ज्वेलरी। और वो राजा के राजगुरु की ड्रेस, और राजा की वाइफ का राजा, राजगुरु की ड्रेस और उनकी वाइफ, यानी कि कुलगुरु की धर्म पत्नी का लहंगा या घाघरा। ये सरोता सुपारी और अफीम काटने के लिए पहले काम आता। अच्छा, और ये तराजू नाप तोल के लिए। वो जो नीचे देख रहे उसको बोलते शेर और सवा शेर। अच्छा, ये हाँ। ये शेर और सवा शेर है। हाँ। अच्छा, और ये तो नाली माना जो शायद अभी का है, ये कुछ नापने के लिए। हाँ, और ये ओल्ड टाइम के ताले, डिफरेंट डिफरेंट ताले हैं, छोटे ताले छोटे गेट के लिए रखते थे, बड़े ताले बड़े दरवाजों के लिए, और ऊपर देख रहे उनकी चाबी। अच्छा, उन तालों की चाबी ये है। और ये प्रेस, ये है राजपूताना। और ये कौन सा, ये भी ठिकाना, ठिकाना तो नहीं हुआ, तो ये तो राजा का पूरा अपना ही हुआ। ये जो देख रहे हो ये प्रेस। हाँ। और ये लाइटर। हाँ। अच्छा, काफी कलेक्शन तो मैंने देखा, ये मैंने देखा है। और ये मैंने पहन दी जैसलमेरी पगड़ी, और पगड़ी पहन के यहाँ पे अब होगा फोटो सेशन। ये पूरा फोर्ट के अंदर का है, और होटल भी है ये फोर्ट के अंदर का है। हाँ। उधर जो सामने देख रहे हो। हाँ। पानी जो देख रहे हो गड़ी सर लेक। हाँ। वो गड़ी सर लेक इस साइड पटो की हवेली। अच्छा। और इस सामने सालम सिंह हवेली जो ऊपर चढ़ाई में मिलती है हमें। हाँ, चढ़ाई में मिलती है। हाँ, छोटी सी है, और जहाँ पे स्टैंड है स्टैंड सेंटर नीचे पे। हाँ। वो सालम सिंह हवेली, ये फोर्ट के अंदर जैन टेम्पल। ओके, टोटल 7 टेम्पल है, 7 मंदिर है, 650 साल पुरानी। अच्छा, मतलब इससे इतना यूनिक कॉम्बिनेशन है कि फोर्ट है, मंदिर है, किले हैं, लोगों की बसावट भी है, और पुरातन और आधुनिकता का दोनों का संगम यहाँ पे है। एसी भी लगा है, और हम देख रहे हैं पुराने जमाने की हवेली, पुराने जमाने का आर्किटेक्चर, लेकिन साथ में अभी मॉडर्नाइजेशन भी आपको इस किले के अंदर देखा जा सकता है। और सबसे यूनिक किला है ये पूरे राजस्थान में, जहाँ 5,000 लोग किले के अंदर रहते हैं। दुकानें कितनी बताई,
100 से 150 दुकानें हैं और 15 से 20 होटल हैं। ये सर है जैन टेम्पल। अच्छा, 650 साल पुराना सेवन टेम्पल, मतलब 7 मंदिर, 6,666 मूर्तियां हैं इसके। अच्छा। सितंबर जैन लोगों में दो होते, सितंबर और दिगंबर। हाँ, सितंबर और दिगंबर, ठीक है। सितंबर कपड़े पहनते हैं, दिगंबर कपड़े नहीं पहनते हैं। ये सितंबर का है। सितंबर का। ओके। सेवन टेम्पल है। ओके। जो देख रहे हो इधर भी चूना सीमेंट यूज में पूरा इंटरलॉक बना हुआ। ओके। तो पहले जो जैन लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, राजा लोगों को पैसे फाइनेंस करते थे। आपको हर जगह किले के हर कोने पे इस प्रकार के गाने वाले लोग जैसलमेर में दिख जाएंगे। और जो राजस्थानी वेलकम सॉन्ग है, पधारो हमारे देश, हर जगह गाते हुए गाते हुए ये है सती के हैंड, जिसकी अभी भी मतलब हाथों के छाप है, जिसकी अभी भी यहाँ पे पूजा की जाती है। सिंहासन जिसमें राजा का राजतिलक यहाँ पे होता है, प्राचीन परंपरा है, वर्तमान तक ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। 2021 में जब यहाँ के नए राजा का राजतिलक हुआ था तो इसी व्हाइट मार्बल में राजा को बिठाया गया था। पहले से जो राज परिवार के लोग यहाँ बैठते थे और जो ब्रिटिश लोग थे वो इस साइड बैठते थे, यहाँ पे कुल पुरोहित बैठते थे और सामने के इलाके में सारी जनता यहाँ बैठ के अपने नए राजा का अभिवादन करती थी। ये आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल वर्क है पुराना जैसलमेर का वो, और ठीक सामने आधुनिक। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पुराने जमाने में जो ओपन क्या कह सकते हैं लोगों को आमंत्रण दिया जाता था, मतलब खुला आमंत्रण एक ही बार, तो यहाँ पे 20 जनवरी यानी आज एक शादी है, तो भाटी बाबा परिवार आपका स्वागत है। शादी का इनविटेशन यहाँ पे दीवार पे पेंट लिख दिया गया है कि जो यहाँ के लोग हैं आपसी लोग सबको शादी का निमंत्रण है और इस शादी में जो आना है। ये बड़ा यूनिक सा यहाँ पर जैसलमेर में आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि सबको खुला आमंत्रण है। और ये है कैनन, कैनन यानी कि तोप। इस तोप का इस्तेमाल उस दौर पे किया जाता था दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए, तो यहाँ पे बारूद भरा जाता था और उसके बाद यहाँ पर आग लगाई जाती थी। और ये इस तोप से न जाने कितनी बार जैसलमेर के जो राजा हैं उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए होंगे। ये है यहाँ की कैनन यानी कि तोप। और ये खूबसूरत सा फोर्ट से बाहर का नजारा, 360 तो नहीं कह सकते, 180 डिग्री का। अब मैं आपको ठीक और सामने से दिखाता हूँ वो ताजिए जैसा जो गुंबद दिख रहा है सरफरोश मूवी में मिर्ची सेठ की हवेली, और सामने जहाँ पे लोग बैठे हैं ठीक आगे वो है पटुओं की हवेली। और अभी हम चलते हैं पटुओं की हवेली। और ये आज का दिन राजस्थान जैसलमेर में जो किले का टूर भी कह सकते हैं और जो नज़दीक का इलाका है वो हम कवर कर रहे हैं। तो किले का जो सफ़र है वो यहाँ पे ख़त्म, और जो नया सफ़र है वो है पटुओं की हवेली का सफ़र। तो अब हम सीधे चलते हैं पटुओं की हवेली किले से बाहर, जो पटवे यानी कि उस दौर के जो व्यापार करते थे जैन लोग, तो उस हवेली में बहुत सुंदर नक्काशी हमें देखने को मिलेगी उस दौर की। जो लोग व्यापार करते थे पटवे यानी जो कराची पाकिस्तान से
हिंदू पाकिस्तान जमाने में व्यापार करते थे, तो उनके व्यापार की वो हवेली है। तो वो हम अभी देखते जा रहे हैं। कहा जाता है कि बाद में फटवे की हवेली को उठाई बदस ने खरीद लिया था मात्र 60,000 रुपये में, और आज वो एक बेशकीमती धरोहर बन चुकी है। तो हम सीधे अभी जा रहे हैं फटवे की हवेली की ओर।